हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मौत के बाद भी जारी है रिजर्वेशन, जात पात में बटा शमशान, क्या राजा क्या रंग और क्या फकीर, मौत के बाद तो माटी में ही मिल जाना है, फना हो जाना है। कहते हैं कि जीते जी भले ही सारे इंसान बराबर ना हो, लेकिन मौत सभी को बराबर पर लाकर खड़ा कर देती है। हालांकि हमारे समाज ने मौत के बाद भी स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की है। यहाँ आज भी जातियों के हिसाब से शमशान के हिस्से बटे हुए हैं। भारतीय समाज अनेक जाति धर्मों में तो बटा रहा है, लेकिन यहाँ बंटवारा शमशान घाट में भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग शमशान की परंपरा रियासत काल की विरासत है। राजस्थान में रियासत के दौर में अलग अलग जातियों के शमशान घाट का चलन शुरू हुआ, ये आज भी जारी है। बाड़मेर जैसे छोटे से शहर में लगभग 4 दर्जन शमशान घाट है। हर जाति का अपना अंतिम दाह संस्कार स्थल है और उपजातियों ने भी अपना मोक्ष धाम बना रखा है। बदलते वक्त के साथ साथ समाज को भी जातिगत रूढ़ियों को बदलना चाहिए। हिंदू धर्म रीति के अनुसार अंतिम संस्कार वाले मोक्ष धामों को जाति बंधन से मुक्त किया जाना चाहिए। मृत्यु यानी मोक्ष और उसकी कोई जाति नहीं होती, उसी प्रकार मोक्ष धामों को भी जाति बंधन से मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन आजादी के कई साल बाद भी मौत के बाद भी जातियों का भेदभाव और बंटवारा जारी है। कहने को तो नगर परिषद द्वारा संचालित बाड़मेर का शमशान सार्वजनिक शमशान घाट है, लेकिन यहाँ विभिन्न जातियों के अपने अपने चबूतरे और ट्रॉले हैं। वहीं विभिन्न जातियों के नाम के बोर्ड ब्लॉक बनाकर लिखे गए हैं, जिनमें ब्राह्मण गौड़ समाज, स्वर्णकार समाज, जांगिट समाज, जाट समाज, महेश्वरी धाट समाज, आचार्य समाज, महेश्वरी समाज, लोहार समाज, जाटिया समाज, लखारा समाज, मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, सिंधी समाज, गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज, धाट पुष्करणा समाज, अग्रवाल समाज सहित शमशान के कई जातियों के ब्लॉक बने हुए हैं। विभिन्न जातियों के भामाशाहों ने शमशान की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में शमशान समिति का सहयोग किया है। उन जातियों के ब्लॉक बनाकर बोर्ड लगाए गए हैं। हिंदू संस्कृति में मान्यता है कि आदमी मोह माया सबसे निवृत्त होकर अंतिम जगह यानी शमशान घाट जब पहुंचता है, तब वो सारे जाति बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में शमशान घाट को भी जातियों में बांट दिया गया है। बाड़मेर नगर परिषद के सार्वजनिक शमशान घाट में अब अलग अलग जातियों के हिसाब से अपने ब्लॉक बना दिए गए हैं और इन ब्लॉक्स पे बकायदा बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्ड्स पे ये लिखा गया है कि फला जाति का ये शमशान घाट है। इधर मेरे ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो गुजर गौड़ ब्राह्मणों का शमशान घाट है। ब्राह्मण स्वर्णकार समाज जो ठीक मेरे पीछे की जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, ब्राह्मण स्वर्णकार समाज और दूसरे जो मारू लोहार समाज, गौड़ ब्राह्मण समाज और मेरे ठीक बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ढाट महेश्वरी समाज, आचार्य समाज और कई दूसरे जो जातियां हैं इनके अलग अलग शमशान घाट अपने हिसाब से बना दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ब्लॉक और बोर्ड लगाए गए हैं, अगर दूसरी जाति का कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर उस शमशान घाट में जलाना चाहे तो इस पर भी पूरी तरीके से बंदिशें हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत जातियों उपजातियों में इतना अधिक बढ़ चुका है कि लोग एक दूसरे को अब जाति के हिसाब से पसंद और नापसंद का पैमाना तय करते हैं। लेकिन शमशान घाट में जातियाँ और इसमें लोगों का बंटना निश्चित तौर पर बेहद दुखद है। बाड़मेर के इस सबसे बड़ी विडंबना कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कि व्यक्ति जब अपने अंतिम स्थिति में शमशान पहुँच जाता है तब उस मुर्दे को जाति में बांटने का क्या मतलब रह जाता है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, जागरूक टीवी, बाड़मेर।